लिए पधारे हैं। एक बार भंडारी साहब के लिए सब लोग सम्मानपूर्वक ताली बजाएंगे और ये अभी 6-7 घंटे फिर जाएंगे, वापस इनको अहमदाबाद पहुंचना है। 6-7 घंटे चलकर आए, अभी 7 घंटे चलकर फिर अहमदाबाद जाएंगे और कल से इनकी स्पेस साइंस के ऊपर काफ़ी मीटिंग है। मून मिशन के फाउंडर हैं, आज जो पी श्री कुमार अपने पास आते हैं, चंद्रयान 1-2 से लेकर 9 तक के हेड हैं, उसका सपना भारत देश में अगर कोई देखा था तो प्रोफेसर नरेंद्र भंडारी साहब ने देखा था। आप बहुत बड़े विद्वान हैं और हमारे देश के रत्न हैं। सर प्लीज आप आइए, अपने ज्ञान का लाभ बच्चों को दें। आदरणीय स्वामी जी और मंच पर बैठे हुए विशिष्ट अतिथिगण, मैं देख रहा हूँ सेना के कुछ जवान भी ये शिविर में शामिल हैं और हमारे विद्यार्थी भी यहाँ हैं, तो मुझे बड़ी खुशी है कि आपसे मिलने का मौका मिला मुझे। तो दो शब्द आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। आपको ये पता चले या ना चले, एक बहुत बड़ा परिवर्तन हाल के दिनों में विश्व में आया है और हम बड़े भाग्यशाली हैं हम सभी कि हम इस युग में जी रहे हैं जहाँ ये परिवर्तन हो रहा है। हम कुछ वर्षों से ज्ञान के युग में प्रवेश कर गए हैं। दिस इज सेंचुरी ऑफ नॉलेज। ज्ञान के युग में प्रवेश करने से ज्ञान फैलेगा और आज का युग बड़ा अच्छा युग है और हमारा ये भाग्य है कि हम इस युग में जी रहे हैं। इसके कई कारण मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपने आप को और आप सबको क्यों भाग्यशाली समझ रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि आज जो अवसर हैं हमारे सामने वो पहले कभी नहीं थे। इतने नए नए प्रकार के अवसर प्रकट हो रहे हैं, विज्ञान और टेक्नोलॉजी इतनी प्रगति कर रही है और ये सब संभव हुआ है पिछले कुछ वर्षों से। अब हम अगर 100 साल पहले पैदा होते तो शायद कुछ भी अवसर नहीं मिलते, 1000 साल पहले और भी कम थे, पर अभी इतनी शीघ्रता से ये परिवर्तन हो रहे हैं। आपको शायद पता है कि ये 50वां वर्ष है, गोल्डन जुबली है यूरी गगारिन की। यूरी गगारिन एक रशियन एस्ट्रोनॉट था जो 1961 में जिसने पहला पृथ्वी की परिक्रमा की पहली बार और सारे ब्रह्मांड को हमारे हमारे कब्जे में, हमारे अध्ययन क्षेत्र में ले आया। वो तो वो स्पेस एज की शुरुआत थी और हम उसी स्पेस एज में रहते हैं। तो उसने करीब 108 मिनट की पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा की और एक मैसेज हमको दिया उसने। वो बड़ा अमूल्य मैसेज है कि असंभव कुछ भी नहीं है। जो हमको असंभव लगता था कि हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल पाएंगे या नहीं, वो उसने कर दिखाया। तो हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां असंभव भी संभव करके दिखा सकते हैं। तो मैं इसरो में काम करता हूं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, और जो 1961 में यूरी गगारिन गया उसके बाद में 10 साल के भीतर भीतर लोग चंद्रमा पे चले गए। आर्मस्ट्रांग आपने सुना होगा, बज आल्ड्रिन, और उसके बाद में 12 व्यक्ति उनको मिलाकर चंद्रमा पर चले और अब तो सैकड़ों एस्ट्रोनॉट है। तो किसी को विश्वास नहीं था कि हम इतने जल्दी भारत से भी एक चंद्रयान छोड़ेंगे जो चंद्रमा पर जा सकेगा। तो करीब 10 वर्ष पहले, 11 वर्ष पहले हमने एक प्रोग्राम बनाया था और उसमें बहुत सी अड़चनें आई, बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस थे, पर हमने भी ये सक्सेसफुल करके सफलतापूर्वक ये मिशन 2008 में छोड़ा गया और बहुत ही सफल रहा। तो आप ऐसे युग में जी रहे हैं जहां आप कुछ सोच लें, कुछ धारणा कर लें तो वह संभव करके आप दिखा सकते हैं। ऐसी संभावनाएं पहले कभी नहीं थी।
अभी मेरे को बड़ी खुशी हुई, ये यूरी गगैरिन की गोल्डन जुबली यूनेस्को ने मनाई थी, उसमें 80 देशों से करीब 50,000 विद्यार्थियों ने भाग लिया और उसमें फर्स्ट आया अपने इंडिया का एक लड़का, कालरा है कच्छ से, उसने एक स्पीच दिया था नेक्स्ट 50 इयर्स इन स्पेस, और वो 80 कंट्रीज में उसका भाषण, उसके विचार सबसे अच्छे माने गए। तो आपको इतने अवसर हैं, और जितने भी ओलंपियाड होते हैं आजकल मैथमेटिक्स के, फिजिक्स के, जितने भी प्राइजेस होते हैं हमारे इंडिया के बच्चे, भारत के बच्चे सब में, उनमें बहुत आगे टॉप पर, टॉप के आसपास रहते हैं। अभी एक हाइनलाइन प्राइज का कंपटीशन था, उसमें हमारे दो बच्चे चेन्नई से थर्ड आए। तो बहुत सारी आपको ये अवसर हैं। तो अभी मैं जब अहमदाबाद से आ रहा था तो मेरे साथ में दीक्षित जी थे, उन्होंने पूछा कि कोई एस्ट्रोनॉट कैसे बन सकता है या स्पेस रिसर्च में कैसे जा सकता है। तो मेरे ख्याल से आप सभी कुछ न कुछ धारणाएं या कुछ न कुछ एम लेके चल रहे होंगे। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप चाहे कुछ भी करें, स्पेस रिसर्च में सभी प्रकार के लोगों की आवश्यकता है, चाहे वो इंजीनियर हो, मैकेनिकल हो, एस्ट्रोनॉटिक हो, केमिस्ट्री है हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, लॉ हो, या टीचर हो, सभी प्रकार के लोग स्पेस में, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भाग ले सकते हैं। आप एस्ट्रोनॉट भी बन सकते हैं, आप रॉकेट भी भेज सकते हैं, और आप कुछ भी कर सकते हैं। तो बड़ा अच्छा अवसर है आपके सामने। और दूसरी बात ये है, अभी एक गार्जियन में मैंने, एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर है उसमें आर्टिकल पढ़ रहा था मैं, उसमें उन्होंने लिखा है ये तय करके कि आज अगर किसी को कहीं पैदा होना है या पढ़ना है तो सबसे अच्छा देश दुनिया में भारत है, क्योंकि ये जितना तेजी से बढ़ रहा है उतना और कोई देश शायद नहीं बढ़ रहा। लोग, कई लोग कहते हैं कि चाइना बहुत आगे बढ़ रहा है तेजी से, पर अगर मैं तो कई बार देख के आया हूँ, अगर आपको कहे कि आप चाइना में जाके रहो तो मेरे ख्याल से आप में कोई भी वहाँ रहना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ न तो विचारों की स्वतंत्रता है, न यहाँ अपने का अपने जैसा एथिक्स या अपने जैसी वैल्यूज़ हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज का युग बड़ा अच्छा युग है, अवसर वाला है, ज्ञान का युग है, अपना देश बहुत प्रगति कर रहा है, और देश में भी गुजरात जैसा आपने सुना बहुत आगे बढ़ रहा है, दूसरे प्रांत भी आगे बढ़ रहे हैं। तो इससे अच्छा मौका और क्या मिलेगा। और आप कुछ भी करें, अच्छी तरह से करें। पर अभी हाल में काफ़ी वैल्यूज़ जो अपनी मूल्य हैं जीवन के, वो भी हमको साथ में लेके चलने पड़ेंगे, क्योंकि ज्ञान तो बहुत बढ़ रहा है। अभी एक लेक्चर मैंने सुना था कि ऐसा युग आने वाला है कि बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जाएंगे, क्योंकि ज्ञान तो सब वेब पर, कंप्यूटर पर उपलब्ध है, केवल फुटबॉल खेलने जाएंगे स्कूल जाना हो तो। तो ऐसा युग भी आ सकता है, परंतु जो वैल्यूज़ हैं लाइफ की वो हम आपस में मिलके गुरु से ही सीख सकते हैं। और हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे स्वामी जी ऐसा शिविर चला रहे हैं जो एक चमत्कार से कम नहीं है, जिसमें वो जीवन की वैल्यूज़, सेल्फ डिसिप्लिन, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी तो बहुत जल्दी से प्रोग्रेस कर सकते हैं, पर जो माइंड में जो वैल्यूज़ है वो पीछे रह जाती है। तो दोनों का बैलेंस अभी कुछ बिगड़ा हुआ है, और धीरे धीरे जैसे ही चेतना का विकास होगा, हमारे ज्ञान का विकास होगा, एक नया बैलेंस एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो हमारे सामने मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा युग आने वाला है, आप सबको बहुत सारे अवसर मिलने वाले हैं, और आप इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं, आप इस अवसर को काम में लें,
और मुझे विश्वास है कि स्वामी जी जो प्रयत्न कर रहे हैं उससे आपको बहुत लाभ होगा। मैं 2-3 साल पहले आया था, मैंने एक भारत के चंद्रयान अभियान पर पुस्तक लिखी है और उसका गुजराती में ट्रांसलेशन अभी तुषार पांड्या हैं, प्रोफेसर तुषार पांड्या, उन्होंने किया है। तो मैं वो स्वामी जी को आपकी लाइब्रेरी के लिए वो है नहीं आप वो ये भेंट करना चाहूँगा। तो आप देखिए इसमें ये भारत के चंद्रयान पर एक पुस्तक लिखी हुई है। तो ये रॉकेट भी हमारा था, सैटेलाइट भी हमारा था और उपकरण भी हमने लगाए थे, कम्युनिकेशन सब इंडियन था इसमें पहली बार, और पहली बार सक्सेस हुआ। पर इसके उपरांत हमने एक और काम किया जो किसी देश ने नहीं किया था। हमको इसमें ये जब जाता है चंद्रयान तो 350 टन का रॉकेट होता है, उसमें 1200 किलोग्राम खाली एक टन का चंद्रयान चंद्रमा पर भेजा जाता है, उसमें भी 600 किलोग्राम तो फ्यूल होती है, 500 किलोग्राम चंद्रयान की बॉडी थी। और उसमें हमको उन्होंने जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने कहा 60 किलोग्राम आप उपकरण डाल सकते हैं, पर हमारे उपकरण तो बहुत भारी थे, एक कैमरा हम मुश्किल से डाल सकते थे। तो हम सब हमारे साथियों ने जो अहमदाबाद में काम करते हैं, बेंगलोर में काम करते हैं, उन्होंने मिलके इतना बड़ा प्रयास किया कि जो हमने 5 उपकरण तय किए थे वो 50 किलोग्राम में ही हो गए। तो 10 किलोग्राम जो एक्स्ट्रा रहा वो हमने दूसरे देशों को कहा कि आप भी आइए, आपको हम आपके पास कोई अच्छा उपकरण हो तो हम आपको फ्री वहाँ ले जाएंगे, आप हमारे इसमें सहयोग में शामिल होइए। तो कुछ 4-5 प्रयोग अमेरिका, जर्मनी, बल्गारिया इनसे आए, वो हमने डाले। तो ये एक चंद्रयान एक मॉडल बन गया है ग्लोबल कोलैबोरेशन का, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का, और यही रास्ता है जिसको हम लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अभी अमेरिका और रूस का तो एक्सप्लोरेशन जो है प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन बंद सा हो गया है, अमेरिका के पास भी बजट की बहुत प्रॉब्लम्स है। तो अब हम सब मिल करके हम आगे बढ़ सकते हैं और दुनिया में ये कोलैबोरेशन की एक अच्छी मिसाल मानी गई है। अभी जैसे स्वामी जी बता रहे थे अगले 3 दिनों में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, हम चंद्रयान 2 की तैयारी कर रहे हैं और मंगल ग्रह पे एक मंगलयान भेजने की तैयारी कर रहे हैं 2013 में, तो उसके बारे में है। तो वो एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हमने एस्टेब्लिश किया है, तो सब मिलकर काम करें तो अच्छा और उसमें खर्चा भी कम आएगा और काम भी अच्छा होगा। तो ये सहयोग का युग आ गया है, ज्ञान का युग आ गया है, और मुझे विश्वास है कि आप सब आगे बढ़कर इसमें अवसरों का उपयोग करेंगे और बहुत आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।